छह प्रश्न जो अर्जुन ने पूछे थे वो तो उत्तर मिल गया। सातवां एक प्रश्न अर्जुन ने पूछा था, प्रभु अंत काल में आप कैसे याद आते हो। पांचवा श्लोक के एक चरण बोले, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। अर्जुन, अंतकाले, यहां पर सीधा सरल एक अर्थ हम ले लें, अंतकाल का अर्थ है मृत्यु के समय, क्योंकि केवल मृत्यु मत समझना, अंतकाल हमेशा होते रहता है। एक एक जीवन का भी अंत है, एक एक दिन का अंत है, पहले कहूं तो एक एक वर्ष का अंत है, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द वीक, एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ एन आवर, एट द एंड ऑफ अ मिनट, एट द एंड ऑफ अ ब्रेथ। तो अंतकाल कई होते, लेकिन सामान्य जो अर्थ लिया गया है कि अंतकाल मृत्यु के समय, विदाई के समय, माम एव स्मरण कलेवरम मुक्त्वा, मुझे ही, माम एव, ये एव के नीचे अंडरलाइन करना। भगवत गीता में कई बार ये छोटे छोटे शब्द भी इग्नोर, जैसे च है, च का अर्थ होता है और, एंड, एव का अर्थ है ही, ऐसे जो अव्यय है ग्रामर में जो कहानी, तो हम ऐसे वाक्य भी जब पढ़ते हैं ना तो बहुत ध्यान नहीं देते उसके ऊपर। अंतकाल में भी मेरा ही स्मरण कर जो निकलता है, शरीर को छोड़ता है, यह प्रयाति, जो निकल जाता है वो समद भावम याति, वो मुझे ही पाता है, अत्र संशय न अस्ति, इस विषय में कोई संशय नहीं है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो अंतकाल में भी मेरा स्मरण करके ही जो दे, अब ये भी और ही मैंने बता दिया इसलिए आपका ध्यान पड़ेगा, ये तो ऐसे ही मैं बोल दूं, अंतकाल में भी मेरा ही स्मरण करके कोई प्राण जो निकलता है तो वो भी और ही, उस पर हम ध्यान नहीं देते। जबकि देखा जाए तो इस श्लोक का पूरा वेटेज ये दोनों पर है। श्री कृष्ण कहते हैं अंत काल में मेरा स्मरण करके जो निकले वो मुझे पाता है, बहुत सिंपल ये मैंने कह दिया, लेकिन अंत काले च मामेव मुक्त्वा, मामेव स्मरण, अंत काल में भी मेरा ही स्मरण करके देह छोड़ता है, अंत काल में भी, अंतकाले च, अंतकाले पण, जीवन में तो अवश्य करना। लोगों ने ये च अक्षर का अर्थ नहीं समझा, उसको पकड़ा नहीं, तो लोग क्या कहते हैं, अंतकाल में स्मरण कर दो हो जाएगा, फिर जीवन भर क्या जरूरत है। भगवान ने, कृष्ण ने गीता में कहा है ना, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंतकाल में मेरा स्मरण करके शरीर छोड़ोगे तो मुझे पालोगे, तो जीवन भर क्यों करें, अंतकाल में स्मरण करेंगे, और हमने कभी नहीं किया तो हमें ले जाने वाले तो करेंगे ही। श्री राम राम राम, वो तो अंतकाले आ जीवन नो सारे एक समझाए छे, पापी पण पावन बने एवा अनुभव थाय छे, नाम जेवो ए जीवन भर लीधु नहोतु रामनु, एमने उचकी जनारा राम राम कहता जाए छे। आदमी का दिमाग ऐसा सैंपल है ना, आदमी उसकी डिजाइन बहुत विचित्र बनाई, वो हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है। इसलिए गीता के पढ़ने वाले लोगों ने भी यही अर्थ किया ना, अंतकाल है जमा में वो स्मरण मुक्त, अंतकाल में मेरा स्मरण करो तो शरीर को छोड़ो तो भगवान, तो वो तो बेचारे को होश नहीं रहता, आजू बाजू वाले बैठकर भगवान का नाम लिए जाते क्या होगा, और एक आश्वासन लेते हैं कि लिया भगवान का नाम, ये गया गया अवश्य, कहां गया क्या पता,
इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं अंतकाले च मामेव मुक्त्वा मामेव स्मरण, अंतकाल में भी मेरा स्मरण। जीवन भर तो करना, अंतकाल में भी करना। और अंतकाल में कब आएगा वो आगे के श्लोक में कहने वाले हैं भगवान। तो पहले ये च अक्षर को बहुत महत्वपूर्ण समझना, दूसरा माम एव, संस्कृत में अव्यय है, एव शब्द का अर्थ है ही, ओनली, मेरा ही, माम एव। व्याकरण की दृष्टि से कहें तो ही शब्द बाकी के ऑप्शन को हटा देता है। एग्जाम्पल, बहुत बड़ा मकान आपने अच्छा बनाया, 7 bedrooms, भव्य मकान बनाया, और मैं आपके घर में आऊं, आप कहोगे गुरुजी आपको इसी कमरे में रहना है, यही कमरे में रहना, मतलब बाकी के 6 कमरों की ओर देखना भी मत आप। ये ही जो कहा, ऐसे नहीं कहोगे आप तो अच्छे बने, गुरुजी आपका ही कमरा है, ये कमरा आपका ही है, इसका मतलब ये कमरे में और कोई नहीं आएगा और आप दूसरे में जाना मत। ये ही आया, इसका अर्थ कि बाकी का सबका त्याग आ गया ऑटोमेटिक। जब भी हम कहते हैं ही, वेडिंग में बुफे डिनर लगा हुआ है, 5 प्रकार की सब्जियां हैं, लेकिन आप कहते हो कहीं हरी कौन है सब्जी, कोई हारी ओकरा, बस आओ साधु साधु तुम्हारे यहां में तो हादू हादू है। वाह वाह, कौन बोला ये पनीर टिक्का मसाला, अरे वाह, पनीर टिक्का मसाला ही लेना। अब जब ये कहते हो आई हैव टेस्टेड इट, मैंने 5 सब्जियां टेस्ट कर ली, पनीर टिक्का मसाला ही लेना, जब ये कहते हो ही, इसका अर्थ बाकी के 4 को छोड़ दो। अब वो 4 का नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, कभी भी किसी भी भाषा में, संस्कृत में जो ये एव आता है, इसका अर्थ बाकी का छोड़ दो, अव्यय जो है वो बाकी सबको हटाने के लिए। यहां भगवान क्या कहते हैं, अंतकाले च माम एव स्मरण, मेरा ही स्मरण करना, इसका अर्थ है बाकी किसी का नहीं, न घर का, न बिजनेस का, न इंडिया की प्रॉपर्टी का, न सेफ डिपॉजिट लॉकर का, न बेटे के बेटे का। तो कई लोगों का जीव अटका रहता है, पिंटू को लाओ पिंटू, और पिंटू 2000 माइल दूर है, हफ्ते भर तक वो पिंटू पिंटू के फोटो दिखाती नहीं, पिंटू। फिर जो समझदार लोग कहते हैं कि इनको लाओ पिंटू नहीं तो जाएंगे नहीं ये, तो बेचारे पिंटू को स्कूल में 2 दिन छुट्टी करके ला कर सामने रखते हैं, बाबूजी ये पिंटू, पिंटू के सर पे हाथ फिरा के ठाक। ये रुक, वो पिंटू को याद कर रहा। श्री कृष्ण कहते हैं माम एव, मेरा ही करो वो करके जो, और कुछ है। प्रिय स्वजनों, मनोविज्ञान का एक नियम है, स्मरण उसी का होता है जिसका तुमने सबसे अधिक अनुभव किया हो। मेमोरी इज रूटेड इन पास्ट एक्सपीरियंसेस। जिस वस्तु का तुमने अनुभव नहीं किया होगा उसका स्मरण नहीं होगा, रेपिटेटिव एक्सपीरियंस नहीं किया होगा उसका भी स्मरण नहीं होगा।
एग्जाम्पल के लिए कहता हूं, मैंने सुशी नहीं खाई, क्या बोलते हैं उसको, खाई मैंने नहीं खाया, मतलब एक बार किसी ने घर पे बनाई थी, लेकिन मैंने लगा क्या लोग पागल हो जा रहे हैं सुशी में इतने। फिर कहते हैं गुरुजी घर में नहीं, वो वहां जाके, मैंने कहा वो तो मैं जाता नहीं, ठीक है, तो वो सुशी नहीं खाया, आई डोंट हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ सुशी। तो मुझे सुशी का स्मरण होगा, नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट भी ना होना चाहिए, नहीं तो आप में से कोई बुद्धिमान होगा तो पूछो कि गुरुजी नहीं खाई फिर भी आपको प्रवचन में एग्जाम्पल के लिए याद आ गई कि नहीं सुशी। इंटेलिजेंट आदमी पूछ सकता है लॉजिक के तर्क करके, पनीर टिक्का मसाला के लिए ऑप्शन पूछना पड़ता है, और सुशी तो आपको याद आ गई बिना पूछे, कह सकते हो आप नेगेटिव, बहुत पढ़े सुशी सुशी सुशी, लोगों की बात सुनी सुशी सुशी, तो मैंने नहीं सुशी क्या है पता नहीं, ये देखे नहीं, इसलिए एग्जाम्पल में याद आई। अब जो सुशी का मुझे अनुभव नहीं है, मैंने कोई बोर्ड भी ना पढ़ा होता, मैंने किसी की बात भी ना सुनी होती सुशी के बारे में, तो मुझे सुशी याद आती। इफ आई डोंट हैव एन एक्सपीरियंस, अफ्रीका का आदिवासी हो, मसाई गैरंग गोरंगोरो सरेंगेटी में कि नहीं, वो कभी पेड़ के नीचे बैठा उसको याद है पूरण पोड़ी खावी जोई है, वो याद करेगा कभी, पर उसको पता ही नहीं है वो क्या होता है, तो याद नहीं करेगा, उसको स्मरण नहीं आएगा। स्मरण उसी का आता है जिसका अनुभव हो, न केवल अनुभव हो बार बार हो। तीसरी बात, स्मरण उसी का आता है जिसने आपके अंतःकरण पर एक डीप इंप्रेशन छोड़ी हो, बट दैट एक्सपीरियंस इट कुड बी वन टाइम एक्सपीरियंस बट इट्स सच अ प्रोफाउंड एक्सपीरियंस, तो स्मरण पॉजिटिव या नेगेटिव, फिर उसके साथ आप इन्वॉल्व होते गए हो, लेकिन ये कुछ भी यदि ना हो तो उसका स्मरण नहीं हो सकता। ईश्वर का स्मरण कब होगा, एक थोड़ा सा भी अनुभव किया होगा। दूसरी बात, पॉजिटिव स्मरण तभी होगा कि वो स्मरण से, वो अनुभव से आनंद आया होगा, एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर एंड मोर एंड मोर, तो होगा। ये यदि हो सके, इसके लिए च और ही भगवान ने शब्द प्रयोग किया,